पाकिस्तान में तो वैसा काम हो ही नहीं रहा एक भी बंदा नहीं है और मैं ईगो से आप समझें या प्राउडली समझे वेबसाइट है ना जो डिजाइन वाली क्या we want design. We want. उसका लैंडिंग पेज आप जाके देख लें नहीं होगा पाकिस्तान में ऐसा। मैं वही कह रहा हूँ कि आप समझ आ जाएगी कितना डिफरेंट लेवल पर यह प्ले कर रहे हैं और बाकी में इंटरनेशनली कंपीट कर अच्छा अब जब हम उस लेवल पर पहुंच गए ना तो अब हमें समझ लगाया कि अब यार अगला रिसोर्स ऐड करने के पास ना हमारे पास टाइम है ना रिसोर्स है ना एनर्जी है उसको ट्रेन करने के लिए उतनी तेज़ी से पहले था जब हम बच्चे थे हमें खुद भी नहीं पता था तब खैर थी हम गलतियां भी कर सकते थे अब क्योंकि क्लाइंट भी मुझे पैसे बहुत अच्छे दे रहे हैं तगड़े दे रहे हैं और वो एक्सपेक्टेशन भी वैसी रख ले तो वी कांट अफोर्ड कि अब कोई आम बंदा है तो अब हमने थोड़ा सा ना बहुत अपना वो कह लें मुश्किल बना दिया है कि हमें ज्वाइन करना इट्स नॉट दैट ईजी ठीक है आप चाहे ताल्लुक़ से मेरे पास आ जाए कि जी यूसफ भाई ने रेफर किया है गौर के पास आप स्टेप इन द डोर ले लेंगे और बल्कि मुझे पसंद भी है वो लोग अक्सर लोग कहते हैं नहीं नहीं ये भी नेपोटिज्म में आता है मैं नहीं समझता मुझे लगता है कि उस बंदे के पास वो स्किल था कि अपना नेटवर्क कैसे यूज़ करना है और किसी के कंपनी के अंदर कैसे एक उसके पास स्किल है।, है अच्छा अब वो हम कैसे गेज करते हैं पहला जैसा आपने बात की एप्टीट्यूड और बहुत सारी चीज़ें Uh, उसके लिए हमने कुछ सिनारीोज़ कुछ चीज़ें रखी होती हैं जिससे हम इजीली गेज कर लेते हैं और फिर स्किल्स वाला है उस पर भी हमने सेम रखा होता है मैं आपको कुछ uh, पे एग्जांपल्स देता हूँ आपको समझ आ जाएगी ऑडियंस को भी फॉर एग्जांपल एस के लोग आते हैं आजकल मैं वो ज़रा रिक्रूट कर रहा हूँ तो अभी तक नहीं मिल रहा ठीक है मैं उनसे कुछ सवाल करता हूँ वहीं से हमें पता लग जाता है यार इसको कुछ नॉलेज नहीं आता होगा फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसको एक सिनेरियो देता हूँ कि आज यार मेरे पास वन पॉइंट फाइव मिलियन ट्रैफिक की वेबसाइट है और असल में ये प्रॉब्लम हमारे पास अभी चल रहा है ठीक है पाकिस्तानी वेबसाइट है वन पॉइंट फाइव मिलियन की ट्रैफिक है दे आर वन ऑफ़ द बिगेस्ट ऑडियंस सिर्फ पाकिस्तान की है इसको मैंने थ्री मिलियन तक लेके जाना है कैसे लेके जाऊँगा अब वो ना वही जवाब देगा जी मैं पहले ऑडिट करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। फिर मैं उसको काउंटर जवाब देता हूँ आप जब आओगे आप क्या करोगे अब वो ब्लैंक हो जाता है मुझे समझ आ गई इस बंदे में वो सोच ही नहीं पा रहा प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कैसे करना है तो इसका मतलब है जूनियर लेवल पे माइट बी वेरी गुड ही माइट बी वेरी टेक्निकल जो कैलेबर मुझे चाहिए ना उस पर ही कैन नॉट ऑपरेट तो इसका राइट right आंसर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो सिंपल था कि भाई ऑलरेडी आप बहुत अच्छी एस सी रहे होंगे मैं उसमें देख लूंगा क्या लूपोल मैं फिक्स कर सकता हूँ वो मैं आपको कर दूंगा बट नहीं उससे ट्रैफिक नहीं बढ़ेगी ट्रैफिक बढ़ेगी और कॉन्टेंट कैसे देने वेबसाइट में pages, और लैंडिंग पेजेज और कॉन्टेंट होगा तो गूगल और उसको समझेगा सिंपलेस्ट आंसर था बट पीपल फेल टू डू दैट और मैं आपको बता रहा हूँ पंद्रह पंद्रह बीस बीस साल पुराने एस के बंदे दे फेल टू आंसर दिस सिंपल क्वेश्चन इसी तरह हम एक और सवाल करते हैं कि एक कीवर्ड है लर्न एस सी मॉज उस पर नंबर वन आ रहा है ठीक है और आज मैं कहता हूँ दो महीने के अंदर मैंने भी नंबर वन आना है इसी कीवर्ड की के ऊपर तो आप क्या करोगे क्या करोगे 80 परसेंट लोग कहते हैं जी दो महीने में तो हो ही नहीं सकता तो इसका मतलब वो वैसे ही फिल्टर क्योंकि वो ट्रेन हो पुरानी एस सी पे कि नहीं हो सकता है एस सी तो छः महीने आठ महीने साल पे होती है अब ऐसा नहीं होता एस के अंदर अच्छा और दूसरा जब वो जवाब देते हैं ना तो समझ वही चल जी ऑडिट करूंगा वो फलाना हालांकि इसका भी सिंपल सा जवाब था कि क्यों नंबर आ रहा है उसके कॉम्पिटिशन में पहला स्टेप तो सिंपल कोई चीज बनानी थी ना उन्होंने दस हजार वर्ड की गाइड लिखी हुई है पहला स्टेप तो वही पूरा करना है कि उस कैलिबर की गाइड लिखनी है आपने आज एक किताब मुझे दी रोड मैप पर मैंने आपसे ऊपर आना है तो आपसे बेहतर कोई चीज बनाऊंगा तो ऊपर आऊंगा या एटलीस्ट उसके कैलिबर पे ठीक है वो छोड़ के स्टेप वन मैं आपको मशवरे देने लग जाऊँ जी मैं पब्लिकेशन के पास जाऊँगा मैं फलाना आप कहेंगे भाई पहले किताब तो लिखना फिर अगला स्टेप देखते हैं यही बात है तो खैर आपके मैंने एक दो रोल्स के लिए बताया सोशल मीडिया का बड़ा मज़ेदार हम करते हैं क्योंकि सोशल में ना हमें क्रिएटिव लोग चाहिए होते हैं तो उस पर हम पूछते हैं कि अच्छा बैठे हुए हो जैसा नाइकी की एक टैग है जस्ट डू इट ठीक है आप एज एजा इंसान आपकी टैगलाइन क्या है और आपके पास एक मिनट है और टाइमर मैं ऑन कर देता हूँ अब मैंने क्या निकालना है कि यार ये क्रिएटिव जल्दी सोच पाता है कि नहीं जो मर्जी जवाब दे दे दिस इज नॉट अ राइट और रॉन्ग क्वेश्चन दिस इज जस्ट कितना क्विकली वो मुझे क्या आंसर करता है और कुछ लोग जो वाकई में क्रिएटिव होते हैं ना मज़ा आया था और कुछ जो बोंगे लोग होंगे वो वहीं पर फंसे रहेंगे जी सर सवाल समझ नहीं आ रहा इसका मतलब है कि दे विल नॉट दे मेट नॉट बी द राइट फिट फॉर यू वो आपकी टीम के साथ जेलिन भी नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ठीक है क्योंकि वो वहीं पर फंसे होंगे तो वो आपको ना अगेन ये इस इन टेस्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगला बंदा कैलेबर नहीं है या कोई हम उसको डीमीन कर रहे हैं इसका सिर्फ मतलब ये होता है कि यार अब बहुत कंपटीशन है अब यू हैव टू बी ऑन योर सही बात है ठीक है मैं एक बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ आप जॉब लेने जाए हुए हो पहले ही ऑडिट रख के उसके पास जाओ एस की कर रहे हो सोशल की कर रहे हो ये सर मैंने आपकी ना एम कंपनी की रिसर्च की ये ऑडिट था ये देखें आऊंगा ये करना शुरू कर दूंगा सही बात है आपकी सिक्सटी परसेंट जॉब है सेम सोशल या फलाना लोग उतनी भी एफर्ट नहीं करना चाहते मतलब आप देखिए ना आप हम भी क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं और जॉब्स के लिए अगर आप सिंपल से जाके रिसर्च कर लेना जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं वो करती क्या है क्या प्रॉब्लम है और वो जो जॉब के लिए हायरिंग कर रहे हैं उनका कोर पर्पज क्या है आपको वहाँ सी चीजें मिल जाएंगी अभी मैं आपकी एक और चीज़ नोट कर रहा था जॉब डिस्क्रिप्शन वो कितनी इंपॉर्टेंट है गुड हायरिंग के लिए अच्छा पहले हम भी ना बड़ी बोंगी मार रहे थे इंटरनेट से उठाई थोड़ी सी पेस्ट, की, पेस्ट कर दी और ठीक था फिर जो हम गन रहे थे आप हाँ। देखेंगे ना अब बहुत पर्सनलाइज जॉब होता है ठीक है एक दो आपको बताता हूँ आपको मजा भी आएगा जैसा भी मैसेओ का बंदा मैंने पूरी कोई हजार वर्ड की जेडी लिखी है जिसमें मैंने एग्जैक्ट बताया मैंने आपसे क्या सवाल करना है क्या एक्सपेक्ट करूँगा क्या रोल है क्या चीज़ें हैं उसमें सीवीज़ बहुत कम आई हैं बट वर्थ इट आई वर्थ इट ठीक है फिर कुछ हम पोस्टिंग लगाते हैं जैसा हमारा काम डिजिटल ख़ुद भी है तो दूसरी लोग गलती क्या करते हैं स्पेशली ब्रांड्स जब हायरिंग करते हैं वही लगाएंगे जी वी आर हायरिंग फॉर सोशल मीडिया फलाना, फलाना 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 अब भाई नो वन इज़ वेटिंग फॉर योर पोस्ट हमने क्या किया क्योंकि हम खुद भी एक एजेंसी हैं हमने एक पोस्ट लगाई गर्म अंडे अच्छा नीचे <laughs> लिखा हुआ छोटा सा कि अगर आपने पोस्ट पढ़ ली है और आप क्रिएटिव इंसान हो और हंसे हो अप्लाई कर दो गुड मेरे पेज पे ऑर्गेनिकली आई थिंक कोई थाउजेंड टू थाउजेंड प्लस लोगों ने वो शेयर किया हुआ hmm. तो आप मुझे बताएं कौन इस ज़माने में जॉब पोस्ट शेयर करता है तो क्योंकि हम खुद भी जो हम बेचते हैं, हैं वो हम हमें खुद भी होना पड़ता है ठीक है अक्सर एजेंसीज और वो खुद नहीं होते और आगे मशवरे दे रहे होते हैं हम वो ख़ुद भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो कहने का मकसद ये है कि अब ना यू हैव टू फाइंड आउट वेज और ये खाली मैं किसी जॉब सीकर के लिए नहीं कह रहा जॉब देने वाले को कह रहा हूँ कि यार यू हैव टू बी ऑन योर टोज एज वेल यू आर वेरी राइट मार्केट में ये नजर आता है लोग नहीं है फलाना नहीं है मुझे क्यों मिल रहा है हाँ। इस वजह से मिल रहा है वन मेरी कंपनी अच्छी दिख रही है दिख रही है ठीक है टू मैं अच्छा दिख रहा हूँ मैं सक्सेसफुल दिख रहा हूँ मेरी लीडरशिप क्वालिटीज उसको नजर आ रही है यार इसके साथ काम करूंगा मेरा भी कुछ बन जाएगा थ्री आप वाकई में कोई वैल्यू क्रिएट करें अपने काम से आज मुझे बताएं एल ए लाम्स या कोई भी यूनिवर्सिटी का बच्चा निकलता है वो उसकी ख्वाहिश होती है मैं कोक में काम करूं मैं नेस्ले में काम करूं क्यों नहीं वो कहता पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज में मैं काम करूं सिंपल आउटलुक ही नहीं अच्छा हमारी सही कह रहे हैं